वाह भाई वाह, क्या फ्लैट है, क्या शानदार। ओए होए 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 होए, इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट हाउस, इंडिपेंडेंट हाउस, फुल ऑन रोमांटिक फीलिंग, अटैच बाथरूम के अंदर, बटर स्कॉच फ्लैट, बहुत शानदार। हेलो सर, हेलो सर, सर वीडियो बनाने चलना है। हेलो फैमिली, फैमिली, हेलो दोस्तों, फैमिली नहीं, नमस्कार सर। सर नहीं नहीं, अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, अभी चलना है। अच्छा अच्छा, तो कौन से फ्लैट की वीडियो बनानी है अभी? सर वही अपने बटरस्कॉच फ्लैट जिसके बारे में बता रहे थे आप। अच्छा अच्छा, पार्क के पास वाला? हाँ पार्क के पास। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलते बनाने। चलते चलो चलते हैं। हेलो दोस्तों, फैमिली नीव नमस्कार। मैं जगदीप सिंह चौहान और मेरी कंपनी का नाम नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड। तो फैमिली आज आपके लिए लेकर आ गया हूं मात्र 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 36 लाख रुपए के अंदर फ्लैट, वो भी 3 BHK का, गाड़ी पार्किंग के साथ, पार्क बिल्कुल घर के बिल्कुल ठीक बाहर, और वो भी उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास में, वो भी इंडिपेंडेंट हाउस, LIC बैंक, 666 रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपका जो है वो लोन होगा यहाँ पर। सो फैमिली ऐसा फ्लैट आपको नहीं मिलने वाला है, तो आइए जल्दी से और इस फ्लैट को बुक कराइए। चार ही फ्लैट है बिल्डिंग के अंदर, चार ही गाड़ी की पार्किंग है, तो बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत हमारा ये फ्लैट यहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउस होने वाला है, जिसका नाम रखा गया है बटर स्कॉच। जी हाँ फैमिली, जब भी आप कॉल करेंगे इस फ्लैट की जानकारी के लिए तो आपने बस यही बोलना है, जी मुझे बटर स्कॉच के बारे में बताओ। सो फैमिली मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो है मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल ठीक घर के बाहर 20 मीटर की दूरी पर, महा 20 मीटर फैमिली, यहाँ सही सुना आपने, बिल्कुल आपके कानों ने बिल्कुल सही सुना है, 20 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर बड़ा पार्क आपको सबसे पहले वो दिखाऊंगा, फिर आपको दिखाऊंगा गली, और फिर दिखाऊंगा बिल्डिंग का फ्रंट व्यू, फिर पार्किंग, और फिर हम एंट्री करेंगे अपने फ्लैट के अंदर। तो फैमिली मैं आपको एक बार बता दूं कि पार्क जो मैं आपकी वीडियो बनाने जा रहा हूं पार्क के लिए, वो वीडियो आप पूरी जरूर देखना, उसके अंदर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी बोली है। फ्लैट की वीडियो तो आप पूरी देखना ही देखना, पर वहां पर पूरी बातें, आप मेरी पूरी बात को जरूर ध्यान से सुनना जो मैंने पार्क के अंदर वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है फैमिली। तो चलिए आइए चलते हैं हम अपने पार्क के पास सबसे पहले, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली अभी मैं आ गया हूँ अपने घर के बाहर, बिल्कुल ठीक अपने घर के बाहर मात्र 20 मीटर की दूरी पर जो हमारा ये पार्क है, पार्क का एक ये नियामत है पूरी, जो कि आपको घर के साथ मिल रही है। मतलब एक होता है ना कि कोई कोई बहुत बड़ा ऑफर, ये समझ लो कि घर के साथ आपको पार्क फ्री मिल रहा है, कहने का मतलब ये। तो आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर बहुत बड़ा लंबा पार्क ये हमारा है। अगर एक बार थोड़ा सा नज़र घुमा के आप देखते हैं, देखिए कितना बड़ा पार्क है, पीछे बहुत लंबा स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है। पीछे भी अगर आप देख रहे हैं किस तरीके से सीनियर सिटीजन, अगर आप देखते हो नज़र घुमा के, तो कैसे इंजॉय करते हैं आपके घर में, अगर आपके घर में भी सीनियर सिटीजन है तो वो भी इसका इंजॉय कर सकेंगे पार्क का, क्योंकि घर के बाहर पार्क होना बहुत बड़ी नियामत माना जाता है, जो मैं हर बार आपको कहता हूँ। बहुत अच्छी सीटिंग मिली हुई है, ग्राउंड भी बना हुआ है पीछे अगर इधर देखते हो आप, और अगर मेरे राइट साइड की तरफ को देखते हो प्रॉपर सीटिंग दी हुई है। अगर इधर को थोड़ा कैमरा आप लेके जाते हो घंटा साहब, तो इधर से पूरा व्यू दिखाओ, इधर देखो इस साइड भी देखिए पूरा व्यू है, लोग सीटिंग करते हैं, रहते हैं, आराम करते हैं, इंजॉय करते हैं, घर की अच्छी बातें, मीठी बातें, एक दूसरे की अच्छाई, एक दूसरे की बुराई सब पार्क में आके ही करते हैं और इंजॉय करते हैं इसका। तो पार्क का जो है वो आपको फुल इंजॉयमेंट यहाँ पर मिलने वाला है। तो एक बार मैं पार्क का पूरा व्यू भी आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, घर तो आपको दिखाऊंगा, तो एक बार पार्क का पूरा व्यू देखना। यहाँ पे जिम की भी सारी फैसिलिटी है आपके लिए, और बच्चों के लिए भी सारी फैसिलिटी है, प्लेग्राउंड भी बहुत बढ़िया बना हुआ है। सो फैमिली आओ एक बार पूरे पार्क को अच्छे से देखते हैं, और फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने फ्लैट के अंदर। सो फैमिली चलो आओ चलते हैं फ्लैट के अंदर। सो फैमिली अभी हम एक आंटी हैं उनके पास खड़े हुए हैं, और इनसे थोड़ा सा पूछेंगे यहाँ के बारे में, पार्क की फैसिलिटी के क्या फ़ायदे मिलते हैं इनको।
तो आंटी आपसे पूछेंगे आपको क्या फायदा मिलता है यहाँ पे पार्क में आने का? मुझे आने में ये झूले झूले झूलते हैं, कसरत करते हैं, हवा लगती है, अच्छा लगता है पार्क आते हैं। बहुत मतलब एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा। मतलब आप सलाह देंगे सबको कि मतलब घर ऐसा लेना चाहिए जहाँ पार्क में आना चाहिए, पार्क में आना भी चाहिए और घर भी ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पार्क हो। तो देख रहे फैमिली की पार्क की आंटी कितना एंजॉय कर रही है बच्चों। हमारा यही गली में है, अच्छा पास में ही है। तो देखो पास में होने का फैमिली ये फायदा मिलता है कि घर के बाहर अगर पार्क हो तो बंदा आता है, एंजॉय करता है और बच्चों को लेकर आता है। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं और उनको लेकर आते हैं और एंजॉय करते हैं। तो देखो फैमिली ये बहुत जरूरी है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँ खुलकर आपको। तो ठीक है फैमिली, तो चलिए इसका एंजॉय करिए। तो फैमिली आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल एकदम ट्रैक भी बना हुआ है, बिल्कुल वॉक करने के लिए भी बहुत बड़ा। और ये वॉक का ट्रैक जो है पूरा 1 किलोमीटर लंबा है, 1 किलोमीटर वॉक करके आप वापसी, फिर 1 किलोमीटर वापसी आ सकते हो। इतना बढ़िया वॉकिंग आपको मिलता है। और सीटिंग देख ही रहे हैं आप किस तरीके से सब लोग इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। घर के सीनियर सिटीजन वगैरह भी पार्क में आके पूरा इन्जॉयमेंट करते हैं। अंकल पिछले टाइम सैर कर रहे हैं हाँ जी, तो आप देख रहे हैं सब इन्जॉयमेंट करते हैं। ये पार्क का फ़ायदा आपको मिलता है आपके इस घर के पास में, जो मेरा बताना आपको फर्ज बनता है। अगर आप मेरे आगे भी देख रहे हैं पूरा एरिया स्पेस जो है आपको, आप देखते हो कितना बढ़िया स्पेस है। अगर ग्रीनरी की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से ग्रीनरी करी गई है पार्क के अंदर भी। और मतलब ये नहीं कि नाम के लिए पार्क बना दिया गया है, बहुत शानदार बहुत अच्छा पार्क जिसे कहते हैं वो ये पार्क है। बहुत अच्छी फील आपको यहाँ पे आने वाली है। अगर आप थोड़ा सा नज़र को उस तरफ को घुमाते हैं तो आइए चलिए हम चलते हैं हम अपने जिम की तरफ को, जो जिम एरिया बना हुआ है और जो बच्चों का प्लेग्राउंड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो फैमिली आओ चलते हैं। सो देखिए फैमिली किस तरीके से यहाँ पर आप सामने अपने देखा कितनी बढ़िया सेटिंग वगैरह हो रखी है और मतलब फुल इन्जॉयमेंट जो है वो सब यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये मैं आपको फीलिंग याद दिला रहा हूँ बार बार कि आपको इसका जो है वो फ़ायदा मिलना है पार्क का, इसलिए इस घर को आप क्यों बुक कराओ वो फ़ायदा यही है। एक दो चीज़ों से आप कॉम्प्रोमाइज़ जो है फैमिली वो कर सकते हो, पर मेरा कहने का मतलब है कि पार्क से कॉम्प्रोमाइज़ करना यार मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा गलत होगा, बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो ऐसी फैसिलिटी मिलना इतना आसान नहीं होता कि घर के बाहर जो है वो पार्क मिल जाए, मतलब बिरले फ्लैट होते हैं जहाँ पर कि ऐसी फैसिलिटी मिलती है। देखो बच्चे किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रही है गुड़िया यहाँ पर। सो ये देखिए, देखो आला भी बोल रही है गुड़िया। सो ये मज़ा होता है पार्क का, देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो फिल एंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई बच्चों मज़ा आता है खुल कि नहीं आता पार्क में आने में? मज़ा आता है, बच्चे डरे हुए बच्चे नहीं बोल रहे हैं। हाँ बच्चों बताओ मज़ा आता है पार्क में घूमने में? हाँ देखो बच्चे कह रहे हैं कि हाँ मज़ा आता है। तो छोटे छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं पार्क के अंदर। सो आप देख रहे हैं किस तरीके से सारा पूरा नीचे से पूरा, अगर आप देखते नीचे भी पूरे बढ़िया सिस्टम बना हुआ है पूरा, जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा पार्क में घूमने का फिरने का एंजॉय करने का। एक्सरसाइज करने का मन करता है तो आप इस एरिया में आ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं लगे हुए झूल रहे, देखो कितनी प्यारी स्माइल है बच्चों की। तो ये फीलिंग जो है बच्चों आज का जो माहौल है उस माहौल में बच्चे जो है घर के अंदर ही जो है वो घुटके रह जाते हैं, पर जो है कि उनको खेलने का कोई ऐसा प्लेग्राउंड नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ये सारी फैसिलिटी आपको घर के बाहर मिल जाती है। तो देख रहे हैं किस तरीके से सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर सारे लोग। आंटी देखो आंटी कितना इंजॉय कर रही है यहाँ पर, झूला झूल रही है बिल्कुल एकदम एक्सरसाइज कर रही है। तो आंटी देखो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये फैसिलिटी आपको फैमिली यहाँ पर मिल रही है। देखिए अगर यहाँ पर भी हम देखते हैं बच्चे कैसे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे जो है वो इंजॉयमेंट यहाँ पर करते हैं। तो फैमिली ये मज़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, ये फ्लैट का इस फैमिली ये वाला मज़ा आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ऐसा मज़ा सिर्फ आपको नीव रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड में ही मिलेगा, क्योंकि ये मेरी खासियत है कि मैं ज़्यादातर ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए बनाता हूँ लेकर आता हूँ जहाँ पर आपको सारे के सारे घर के बाहर पार्क ही मिले। तो मैक्सिमम मेरी प्रॉपर्टीज़ के बाहर आपको पार्क ही मिलेगा। अगर आप बात करते हैं अगर सामने वाले एरिया की तो देखिए वहाँ भी झूला वगैरह झूलने का पूरा सिस्टम बना हुआ है, जिम एरिया मैंने दिखाया, ग्राउंड दिखाया। तो ये सारी फैसिलिटी है फैमिली। सो आइए फ्लैट को बुक कराइए। अगर आपको ये चीज़ पसंद आई जो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश करी, अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिलहाल फाइन आप चलते हैं फैमिली हम अपने घर के अंदर, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली जैसा कि मैंने अभी आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको पार्क दिखाया, घर के बाहर जो पार्क था वो आपको दिखाया मैंने। सो एक बार पहले आपको मैं अभी दिखा देता हूँ पहले गली, एक बार आप गली देख लो, गली कितनी शानदार है, खुली गली है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपकी गाड़ी आएगी भी और आपकी गाड़ी जाएगी भी। क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट रहती है कि भी गली जरूर दिखाया करो, रोड जरूर, तो मैंने आपको दिखाई। तो ये हमारा बिल्डिंग का सबसे पहले तो हमारा फ्रंट एंट्री यहाँ से, अगर आप देखते हो डोर की खूबसूरती को अगर आप देखते, देखिए कितना हैवी गेट यहाँ पर लगा कर दिया गया है, बहुत ही हैवी गेट दिया है आपको और बहुत डिज़ाइनर गेट आपको लगा कर दिया गया है।
बढ़िया खर्चा जो है इसका हमने वो यहाँ पर फैमिली करा हुआ है इसका, तो बहुत ही बढ़िया खर्चा जिसे कहते हैं वो हमने करा हुआ है। एक बार आप फ्रंट व्यू जो है बहुत अच्छे से देख लो एक बार फैमिली, कितना खूबसूरत इसका फ्रंट व्यू जो है वो रेडी करा गया। अगर आप देख रहे हैं बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत, मतलब इससे बढ़िया जो फ्रंट व्यू है वो मिलना बड़ा कम पॉसिबल हो पाता है। तो आइए चलिए फिलहाल हम चलते हैं अपने बिल्डिंग के अंदर, पार्किंग के अंदर। तो आइए हम अपना एंट्री करते हैं बिल्डिंग के अंदर, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली ये है हमारी पार्किंग, बहुत ही खूबसूरत बढ़िया पार्किंग अगर आप देख रहे हैं, बहुत खुली पार्किंग है, चार गाड़ी की पार्किंग बहुत आराम से आ जाने वाली है। इंडिपेंडेंट हाउस है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, चार ही गाड़ी लगनी है और स्पेस जो है आपको 5 से 6 गाड़ी का यहाँ पे मिल जाता है। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया स्पेस आपको पूरा मिल गया है। चारों तरफ अगर आप देखते हैं मजबूती की, अगर तो आप देख रहे हैं टाइल वगैरह आपको लगाकर दी गई है पार्किंग के अंदर भी, और अगर इसकी खूबसूरती की बात करें ऊपर भी, तो आपको LED लाइट फॉल सीलिंग का डिज़ाइन वगैरह आपको ऊपर बनाकर दिया गया। आप देखते हैं अगर तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे भी एक डिज़ाइन दिया गया स्क्वायर के अंदर, ताकि आपको पार्किंग में भी कोई पार्टी फंक्शन करना हो तो उसका फ़ायदा आपको मिल सके फैमिली। तो जैसे कि आपको फैमिली मैंने पूरी पार्किंग दिखाई है और खुली पार्किंग है, बहुत बढ़िया पार्किंग है। अगर बात करेंगे वाटर कनेक्शन वगैरह की, तो वाटर कनेक्शन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं इस जगह पर, और मीटर कनेक्शन जो है वो आपको बाहर मिलने वाले हैं। तो फैमिली अगर बात करेंगे अब स्टेयर की, तो देखिए कितना बढ़िया स्टेयर के जो स्टेप हैं, बहुत बढ़िया स्टेप दिए हुए हैं और 1-to-1 स्टेप है इसके, बहुत बढ़िया स्टेप जिसे कहते हैं। आप थकने भी बिल्कुल भी नहीं, थकावट होगी अगर आप 4 मंजिल पर चढ़ जाते हो तो भी आपको थकावट नहीं होगी, इतने बढ़िया इसके स्टेप दिए गए। तो फैमिली अब हम एंट्री करते हैं अपने शानदार फ्लैट के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हुआ है। तो फैमिली आइए अब हम अपने शानदार फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, देखा आपको कितना मजा आया पार्क वगैरह देख के, गली देखकर, और आपको जो मैंने फ्रंट व्यू दिखाया। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो फैमिली अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना बटर स्कॉच फ्लैट, तो चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फैमिली, ये हमारा ड्राइंग एरिया है जो आप देख रहे हो, ये हमारे 80 गज के फ्लैट का ड्राइंग एरिया है, बहुत ही शानदार है। इसके अंदर आपको सेमी फर्निश्ड और फुल्ली फर्निश्ड का ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, मात्र आपने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा और देने हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शन और मिल जाएंगे जो मैं अभी आपको वीडियो में बताऊंगा अभी। तो फैमिली सबसे पहले देखिए हमारे 80 गज के फ्लैट का ड्राइंग एरिया कितना बढ़िया शानदार एरिया है, जिसके अंदर आपको बहुत ही शानदार तरीके से हमने वॉलपेपर यहाँ पे एल टाइप का वॉलपेपर लगाकर दिया गया है। एक स्प्लिट एसी आपको दिया हुआ है, एक आपको स्प्लिट एसी की वायरिंग यहाँ पर दी गई है, ठंडा ठंडा कूल कूल जो आपका यहाँ पर हॉल है वो रहने वाला है, बहुत ही खूबसूरत। अगर आप ऊपर देखते हो तो फॉल सीलिंग का सबसे पहले डिजाइन देखिए फैमिली, कितना खूबसूरत आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया हुआ है, और साथ ही साथ एक झूमर फैन जो आप देख रहे हो बहुत ही खूबसूरत तरीके से, ये हमने ऑप्शंस में दिया है फुल्ली फर्निश्ड के, कितना खूबसूरत आपके साथ यहाँ पर हमने इसको लगा कर दिया गया आपके इस फ्लैट के अंदर। और साथ ही साथ 2 फैंसी लाइट्स, वो भी बड़ी बड़ी बिग साइज की जो आप देख रहे हैं, कितनी खूबसूरत लाइट्स, अगर इसको आप पास से देखते हो फैमिली देखिए कितनी खूबसूरत लाइट है ये आपकी। तो फैमिली बहुत ही खूबसूरत जो है इस खूबसूरत इस लोकेशन को हमने बनाया हुआ है आपके इस फ्लैट को। बात करेंगे अगर फैमिली इसके पास ही हॉल के अंदर हमारे इस LCD पैनल की, तो देखिए बहुत ही खूबसूरत हमारा ये LCD पैनल बिग साइज का आपको तैयार करके दिया गया है, और फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन के अंदर आप जाते हैं तो आपको LCD भी जो है वो यहाँ पे लगी लगाई मिल रही है, मैंने आपको फैमिली बता दिया है। मतलब कि 36 लाख रुपए के अंदर सेमी फर्निश्ड ऑप्शन और 38 लाख रुपए के अंदर फुल्ली फर्निश्ड ऑप्शन आपको यहाँ पर फैमिली मिल रहा है। तो मैंने जैसे कि अभी आपको ड्राइंग एरिया दिखाया बहुत ही खूबसूरत आपको दिखाने की कोशिश करी है, अब आपको दिखाता हूँ पहले यहीं पर इसका फर्स्ट रूम जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आइए एंट्री करते हैं हम अपने फर्स्ट रूम की तरफ को, कि वाह भाई वाह क्या शानदार रूम है, क्या शानदार रूम है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, साथ ही साथ फुल्ली फर्निश के अंदर आपको ऑप्शन यहाँ पे भी दिया गया है, बेड लगा कर आपको दे रहे हैं, और बहुत खूबसूरत है अगर आप देखते हैं एक वॉलपेपर यहाँ पर भी मक्खन बिछा दिया है पूरा फैमिली, आप देख रहे हो फैंसी लाइट के साथ ऊपर एक आपको बहुत ही बढ़िया एक फैन और फॉल सीलिंग का बहुत प्यारा वाला डिजाइन, ट्राइंगल टैंगो 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 चार टैंगो यहाँ पे लाके लगा दिए फैमिली, यहाँ पर आप देख रहे हो कि टैंगो 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 चार टैंगो यहाँ पे लगा दिए आपको, टैंगो बोले तो ट्रायंगल वाला टैंगो एक आपको यहाँ पर ही बहुत फैंसी आप देख रहे हैं, ग्लास आपको यहाँ पे लगा कर दिया है फैमिली, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर स्पेस मिल रहा है आपको, जिसे आप बढ़िया तरीके से यूज भी जो है वो फैमिली आप आराम से कर सकते, देखिए कितना स्पेस आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो फैमिली बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस रूम को जो है वो तैयार करा गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कर्टन्स वगैरह भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है, बहुत बढ़िया कर्टन्स है आपकी दोनों तरफ को, आपको एक एक कर्टन आपको यहाँ पर मिल जाती है। सो फैमिली आ जाइए, फर्स्ट रूम मैंने आपको दिखाया, अब इसी हॉल के अंदर बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी
बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, जो मैं कि हर बार बोलता हूँ कि सास बहू और नंद, हर बार बोलता हूँ फैमिली, यहाँ पर खड़े होकर अपना खाना बढ़िया से बना सकते हैं, पका सकते हैं और एक दूसरे को से बढ़िया बढ़िया गॉसिप भी कर सकते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत किचन यहाँ पे फैमिली आपके लिए तैयार करी गई है, एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी शानदार चिमनी आपको लगाकर दी गई है यहाँ पर ही वेंटिलेशन के लिए भी। और बात करेंगे अगर इसके अगर पत्थर की, तो देखिए बहुत ही चॉकलेटी पत्थर जो है यहाँ पर आपको लगाकर दिया गया, बहुत ही खूबसूरत है, जब आप इसको पास में आकर टच करोगे तो बहुत बढ़िया फीलिंग मिलेगी। बात करेंगे इसके रैक्स की, तो देखिए फैमिली वीडियो को प्लीज पूरा देखना फैमिली, इस बार आपका देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे फ्लैट इस रेंज में 36 लाख 38 लाख की रेंज के अंदर फ्लैट नहीं मिलते हैं, और ये वाले फ्लैट्स मैं कोशिश करता हूँ इंडिविजुअल फ्लैट्स वगैरह आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँ। तो देखिए फैमिली कितने खूबसूरत आपको यहाँ पर रैक्स वगैरह भी मिल रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं कितना बढ़िया यहाँ पर आपको स्पेसेस वगैरह मिल रहे हैं। तो किचन बहुत ही शानदार दी गई है, बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है, बहुत खूबसूरत स्पेस यहाँ पर आपको मिल रहा है फैमिली अगर आप देख रहे हैं तो। और बात करेंगे अगर इसके ऊपर डिजाइन की, तो देखिए कितनी बढ़िया एक आपको यहाँ पे एक हमने फैंसी लाइट आपको लगा कर दी है, बहुत प्यारी लाइट आपको यहाँ पे लगा कर दी गई है। तो फैमिली प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपके लिए इसी तरह की बढ़िया बढ़िया जो वीडियोज है मैं लेकर आता रहूंगा फैमिली। और अगर बात करूं अगर मैं इसके स्पेस की, तो आप देखिए यहाँ पर भी बहुत बढ़िया डिजाइन आपको यहाँ पे तैयार करके दिया गया है, बोर्ड के डिजाइन में हमने यहाँ पर आपके लिए बढ़िया फैंसी यहाँ पे आप देख रहे हैं डिजाइन वगैरह लाके रखे हैं, शोपीस लाके रखे हुए हैं, शोभा बढ़ाते हैं जो आपके ड्राइंग एरिया की किचन की आपकी जो शोभा है वो इससे बहुत ही ज्यादा बढ़ेगी और तारीफ भी आपको मिलने वाली है, मैं आपको इस चीज की पूरी श्योरिटी देता हूँ। तो चलिए फैमिली अब आप चलते हैं अपने, हमने हॉल देख लिया, किचन देख लिया, रूम देख लिया फर्स्ट रूम, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड रूम की तरफ को, तो आइए चलते हैं। सो फैमिली ये है हमारा सेकंड रूम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही जानदार, बढ़िया आपका ये देख रहे हैं कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो आपका बेड है वो सजाया गया है, यहाँ पर बहुत खूबसूरत आपको यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है और ऊपर तक आपके लिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए कितने बढ़िया तरीके से इसको हमने रेडी करवाया है, आप देख रहे हैं ऊपर आपके लिए देखिए कितनी बढ़िया है कि वॉल जो है तैयार करी गई है, यहाँ पे हमने वॉल पेपर नहीं दिया, इस बार आपके लिए फैंसी ग्लास लगाकर एक डिजाइन दिया गया है, कुछ नया करने की कोशिश करी है। और इसके लिए जरूर प्लीज प्लीज आप बताइएगा कि आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, कमेंट में जरूर एक बार जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। बहुत ही प्यारी फैमिली है, अलमीरा आपको यहाँ पर मिलती है इसी रूम के अंदर, अगर आप देख रहे हैं बहुत बढ़िया साइज के अंदर आप देखते हैं, अच्छा साइज है, ऊपर तक 9x3 की आपकी अलमीरा है, ऊपर भी आपको काफी स्पेस मिल जाएगा। और अगर आप बात करेंगे इसके फॉल सीलिंग के डिजाइन की, तो स्क्वायर के अंदर आपको यहाँ पे इसका फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया गया है, फैन आपको यहाँ पे लगाकर दे रहे हैं इसी रूम के अंदर। और बात करेंगे अगर इसी रूम के अंदर LCD पैनल की, तो देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको LCD पैनल जो है वो लगाकर दिया गया है। तो एक बार मैं एक लाइट और ऑन कर देता हूँ, लाइटिंग अभी जो है वो पूरी ऑन नहीं है। सो फैमिली देखिए कितने बढ़िया LCD पैनल आपके लिए एक फैंसी लाइट के साथ आपको यहाँ पे रेडी करके दिया गया है अगर आप देख रहे हैं तो। इसी रूम की एक खासियत और है फैमिली, कर्टन्स वगैरह तो आपको यहाँ पे लगा के दे रहे हैं, मगर साथ साथ इसी रूम से आपको जो है वो आप वेंटिलेशन भी बहुत बढ़िया मिल जाता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपके लिए विंडो को AC का भी ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपके लिए हैवी 304 की यहाँ पर देख रहे हैं हैवी स्टील आपके लिए रोड्स वगैरह लगाकर दी गई है बिल्कुल बहुत ही मजबूती के साथ, और विंडो आपका ओपन यहाँ पे आप आराम से इजिली कर सकते हो वेंटिलेशन के लिए। तो फैमिली यहीं से आपको जो है एक फायदा और मिलता है कि ये डोर जो है आपका अगर आप इसको खोलते हैं इस तरीके से, अगर आप इसको ऐसे करके खोलते हैं तो होना कुछ नहीं है फैमिली, आप बालकोनी में एंट्री कर जाओगे और कुछ नहीं होगा, आ जाइए बालकोनी के अंदर एंट्री कीजिए, बहुत ही बढ़िया स्पेस आपको यहाँ पर फैमिली मिल जाता है अगर आप देख रहे हैं तो। कितनी खूबसूरत आपको यहाँ पर जो है बालकोनी यहाँ पर आपको मिल रही है, बहुत खुला स्पेस है, बहुत बढ़िया स्पेस है और बहुत बड़ी बालकोनी फैमिली आपको यहाँ पर मिलती है। टैब आपको लगाकर दी गई है पूरी, आपके यहाँ पे वॉशिंग मशीन आराम से आ जाएगी, स्विच यहाँ पर दिया गया है आपका। और अगर बात करेंगे इसकी खूबसूरती की, तो रेलिंग की, तो आप देखिए कितनी बढ़िया आपको यहाँ पे ग्रिल भी लगाकर दी गई है, बहुत शानदार ग्रिल है, हैवी है, 304 इसका नंबर होता है, कितना भी हिला लो इसको देखो टूटने वाली नहीं है, ये बहुत मजबूत जिसे कहते हैं वो ग्रिल आपको फैमिली यहाँ पर लगा, मतलब हैवी आइटम लगाई हुई जिसे कहते हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल रही है। अगर बात करेंगे इसके टाइल्स वगैरह की, देखिए इसके आउटर स्पेस की, तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको तैयार करा गया है, बहुत हैवी जो टाइल्स वगैरह है वो फैमिली यहाँ पे लगाकर आपको दे रहे हैं। तो अगर ऊपर के थोड़े से अगर देखिए कितनी खूबसूरती ऊपर को बढ़ाई गई है, ये बालकोनी को पूरा कवर करा गया हुआ है पूरा, आपको मतलब कहीं पर भी आपको कोई सीलन विलन को लेकर किसी भी चीज़ की जो है वो टेंशन फैमिली बिल्कुल भी नहीं होने वाली यहाँ पर। सो फैमिली अभी आपको मैंने दिखाया सेकेंड रूम, अब आपको दिखाता हूँ इस घर की असली खूबसूरती जो है मास्टर बेडरूम। सो फैमिली फिलहाल हम चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ को, तो आइए चलते हैं।
सो ये फैमिली हमारा है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे वाला मास्टर बेडरूम, बहुत शानदार तरीके से इसको भी तैयार करा गया है। देखिए कितनी खूबसूरती यहाँ पर दी गई है, अगर आप देखते हैं कितने बढ़िया तरीके से ऊपर तक, नीचे तक तो गद्दे होते ही, ऊपर तक गद्दे आपको जो है वो लगा कर दिए गए हैं। किसी का मन करता है ना, कई बार कई लोग कहते हैं कि लेट के सोना, कहीं होते खड़े खड़े सोना, वो खड़े खड़े भी सो सकता है यहाँ पे फैमिली, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आपको फैंसी एक लाइट दी गई है, ऊपर अगर आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया डिजाइनिंग यहाँ पर आपको दी गई है। ये खाली डिजाइन ही नहीं है, यहाँ पे आपको स्पेस भी मिल जाता है। देखिए मेरी हाइट थोड़ी सी कम है तो, पर यहाँ पर आपको काफी स्पेस मिल जाता है उधर भी और इधर भी। और अगर बात करेंगे यहाँ के स्पेस भी, तो देखिए फैमिली कितना स्पेस यहाँ भी आपको मिल जाता है। काफी सामान वगैरह, आप कपड़े वगैरह, कुछ आइटम कुछ भी रखना चाहें तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। नीचे भी आपको ये काफी स्पेस मिल गया, लाइट वगैरह रखना चाहें, ऐसे फ्लावर पॉट आपको लगा के दिया गया है। इस टाइप से यहाँ पे आपको काफी स्पेस मिल जाता है, कुछ भी आप यहाँ पे रखना चाहें, लगाना चाहें, चार्जिंग लगाना चाहें तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला हुआ है। यहाँ पर आप साथ ही साथ अपना स्पेस आपको मिल जाता है फोन वगैरह रखने का, इधर भी इतना स्पेस आपको मिल जाता है फैमिली अगर आप देख रहे हैं तो। देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको तैयार करा गया। बात करेंगे इसी रूम के अंदर एलसीडी पैनल की, तो देखिए कितने बिग साइज का यहाँ पे आपको एलसीडी पैनल जो है वो लगा कर दिया गया है। यहाँ पर भी फुल्ली फर्निश ऑप्शन अगर आप लेते तो यहाँ पर भी इस रूम में भी आपको एलसीडी लगा कर दी जा रही है। मतलब कि फैमिली 3 बेड, 2 LCD पैनल आपके और दो ही LCD आपकी हो गई, साथ में अलमीरा भी आपको मिल रही है। सारी फैसिलिटी, फैन वगैरह सब आपको फुल्ली फर्निश ऑप्शन में भी मिल जाता है फैमिली। और इसी रूम की अगर वेंटिलेशन की बात करें तो देखिए फैमिली यहाँ से भी आपको पूरी जो है वो लाइट आने वाली है। नाइट के टाइम पर मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए अभी आपको लाइट का नहीं पता लग रहा, बट यहाँ से आपको इस रूम में भी और उस रूम में भी, दोनों रूम में पूरा वेंटिलेशन मिल जाता है। यहाँ पर भी हैवी आपके, आप देख रहे हो बहुत बढ़िया हैवी आपको ग्रिल यहाँ पे लगा कर दी गई है। और ये अलमीराज वगैरह जो है आप अपना ओपन कर सकते हैं इजीली, यहाँ से इसको इस तरीके से अपना इजीली यहाँ से ओपन करिए और आपको पूरा जो वेंटिलेशन है फैमिली वो मिलने वाला है। सो फैमिली इसी के साथ साथ एक आपको यहाँ पर कर्टन रोड्स अगर हम हटाते हैं, कर्टन वगैरह हटाते हैं तो यहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत बाथरूम, देखिए कितना खूबसूरत बाथरूम आपको यहाँ पर दिया गया। पूरी जो शेड है वो ग्रे कलर की शेड दी है, बाथरूम बहुत ही प्यारा फैमिली बनाने की कोशिश करी गई है। अगर आप इसको चारों तरफ से देखते हैं तो बहुत खूबसूरत बाथरूम बनाया गया है। अगर बात करूं इसके, देखिए शावर आपको यहाँ पर लगा के दिया गया है, बहुत प्यारा एक शावर दिया गया है। आप देखते हैं एक हैंड शावर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, साथ ही साथ टैप्स वगैरह जो आप देख रहे हैं ठंडे गर्म पानी का ऑप्शन दोनों यहाँ पर मिल जाता है। और अगर बात करें गीजर की फिटिंग तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको वॉल हैंगिंग जो टॉयलेट शीट है वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। और बात करें अगर इसकी खूबसूरती की ना, तो बाथरूम के अंदर एक फीलिंग अलग ही आपको मिलती है। ये जो ग्रे कलर की जो हमने यहाँ पर टाइल आपको दी है ना, ये बहुत ही खूबसूरत है। 2x4 की आपकी टाइल्स आपकी यहाँ पे लगा कर दी गई है, बहुत ही बढ़िया जो लुक है वो इस बाथरूम को जो है वो देती है। बात करेंगे इसके अगर वेंटिलेशन के लिए तो यहाँ पर भी एक विंडो आपको मिल जाती है। अगर मैं ये दरवाजा थोड़ा सा इधर लेकर आते हैं तो यहाँ से आपको फैमिली ये वेंटिलेशन भी यहाँ से आपको मिल जाता है। सो ये सारी फैसिलिटी जो है बाथरूम के अंदर आपको मिल रही है, जो कि हर जगह नहीं मिलती है, इतनी बढ़िया फिनिशिंग नहीं हो पाती है फैमिली। सो फैमिली मुझे मालूम है आप एक सवाल पूछना चाहते हो जो कि बहुत देर से आपके मन में चल रहा है, और वो मैं बता देता हूं कि आप कहना चाह रहे हो कि भाई सेकंड बाथरूम कहाँ है, कॉमन बाथरूम कहाँ है। सो फैमिली वो भी दिखाता हूं। ये बस मेरा बस ये मानना होता है कि मैंने इस बार इसलिए आपको बाथरूम जो है थोड़ा सा लेट करा है कि भाई मैं देखूं तो सही कि आपको ये चीज़ पता लग भी रही है, वीडियो में ध्यान दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो, तो इसी वजह से मैंने इस चीज़ को थोड़ा सा रोक के रखा था। तो चलिए अब आपको दिखाता हूँ फैमिली सेकेंड बाथरूम, जो कि हमारे बिल्कुल ठीक सामने ही कर्टन्स अगर मैं हटाता हूँ हॉल एरिया के साथ, अगर आप देखते हो ये पूरा अपना हॉल एरिया का स्पेस है और यहीं पर ही अपने को कॉमन बाथरूम मिल जाता है। देखिए कितना बेहतरीन और कितना प्यारा ये अपना कॉमन बाथरूम है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत इसकी जो फिनिशिंग है वो तैयार करी गई है। सेम बाथरूम दिया गया है। अगर बात करेंगे इसके स्पेस की तो देखिए स्पेस ही बहुत खुला मिल जाता है आपको यहाँ पर। 80 गज के अंदर ऐसा स्पेस मिलना पॉसिबल नहीं है, इतना बढ़िया स्पेस नहीं मिल पाता है कई बार। देखिए कितना खूबसूरत स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो आपको यहाँ पर भी शावर दिया जा रहा है, हैंगिंग शावर भी आपको दिया जा रहा है, गीजर की फिटिंग दी जा रही है। सो फैमिली ये सारी जो फैसिलिटीज है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। सो फैमिली चलिए अब बात करते हैं, मैंने आपको पूरा फ्लैट जो है बहुत अच्छे से दिखाने की कोशिश करी है। अब बात करेंगे कुछ और छोटी छोटी मीठी मीठी बातें इस फ्लैट की जानकारी के लिए, तो आराम से बैठकर इसके बारे में बात करते हैं। तो फैमिली पूरी वीडियो देखना, समझना अच्छे से जो मैं चीज़ बताना चाह रहा हूँ, तो चलिए आइए बैठते हैं। सो फैमिली मैंने आपको ये अपना इंडिपेंडेंट हाउस बटर स्कॉच फ्लैट आपको पूरा दिखाया, इसकी वीडियो दिखाई। अगर आपको पसंद आई है और अगर आप इस फ्लैट को बुक कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉल कीजिए। ऐसा फ्लैट आपको इतनी जल्दी नहीं मिलने वाला क्योंकि इंडिपेंडेंट हाउस है, 6.66 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, इस पर लोन भी मैं आपका करा दूंगा LIC बैंक से। और बहुत ही शानदार आपकी पूरी फैसिलिटी है, घर के बाहर पार्क भी मिल रहा है। अगर आप
मतलब ऐसी फैसिलिटी नहीं मिलती इतनी जल्दी जो चीज़ें मैंने आपको इस फ्लैट के अंदर दी है। 80 गज का बहुत शानदार उत्तम नगर के अंदर हमारा ये मात्र मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर हमारा ये फ्लैट है। तो आइए जल्दी से फ्लैट को जो है वो बुक कीजिए। आपके लिए ये सारे ऊँट जो है और ऊँट 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 के बच्चे सब आपका वेट कर रहे हैं। तो आइए और फ्लैट को बुक कराइए और अपना घर लेने का जो सपना है वो साकार कीजिए। तो फैमिली फिलहाल के लिए आप सभी को नींव नमस्कार, हेलो। तो फैमिली पूरी वीडियो जो है मैंने बना दी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दबा के शेयर कर देना वीडियो को। तो भाई कांडा साहब सो जाए, आराम कर लें। हाँ सर जरूर, अब आप करो रेस्ट। चलो बाकी तो हम देख ही लेंगे, आने तो कोई भी। चलो भाई सोते हैं।